दोस्तों, केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो कि मिनी ऑक्शन के लिए अभी मेगा तैयारियों के अंदर लगी हुई है, बेंच के ऊपर हमें चाणक्य पंडित और यहां पर मास्टरमाइंड देखने को मिलने वाले हैं। यानी बात करें तो चंद्रकांत पंडित और गौतम गंभीर की जोड़ी हमें देखने को मिल जाएगी। यहां पर कुछ अलग अलग डिसीजन, अलग अलग फैसले होने वाले हैं। अब जैसे राजस्थान का सीएम बनाकर सबको शॉक कर दिया, वैसे टीम केकेआर गौतम गंभीर को बेंच पर बिठाकर वो ऐसे प्लेयर्स चूज कर सकते हैं जो आप सभी को शॉक कर देंगे। खैर दोस्तों, शॉक की बात हो या फिर यहां पर दोस्तों ब्रेकिंग अपडेट हो, सब कुछ नीचे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी से जाओ उसको फॉलो कर लो। एंड अगर बात करें यहां पर टीम केकेआर की, तो अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर ये टारगेट प्लेयर्स यहां पर टारगेट करने वाले हैं। अब ओवरसीज खिलाड़ी तो इनको चार ही चाहिए, बट यहां पर 8 खिलाड़ी इनको इंडियन के अंदर चाहिए, तो कुछ यहां पर केकेआर के अंदर कमबैक जरूर करेंगे, बट कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होने चाहिए। अब आईपीएल है जो कि इंडियन प्रीमियर लीग है, तो यार कुछ सेम प्लेयर भी तो होने चाहिए, यानी खुद कोलकाता के अंदर बंगाल के खिलाड़ी क्या खेल पाएंगे, किनको टीम केकेआर यहां पर टारगेट करेगी नहीं करेगी, आओ आज डिटेल के अंदर जान लेते हैं। तो बात करें तो ऑक्शन के अंदर शॉर्टलिस्ट होकर बंगाल के 7 खिलाड़ी यहां पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब 7 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप नीचे थाला फॉर अ रीजन लिख दो, वैसे लिख भी सकते हो। एंड अगर बात करें तो कौन कौन से ये खिलाड़ी हैं, आओ इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं, फिर फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर बात करेंगे टीम केकेआर कौन से प्लेयर के पीछे जाने वाली है। सो इन 7 खिलाड़ियों का नाम है रवि कुमार, शाकिब हबीब गांधी, ऋतिक चैटर्जी, अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप कुमार गरामी, ईशन पोरेल और कौशिक माइटी। तो ये हो चुके हैं दोस्तों यहां पर 7 नाम, और 7 नामों में से शायद आपने एक दो ही नाम सुने होंगे जो लोकल होंगे यहां पर कोलकाता के या फिर बंगाल के, शायद उनको सातों के सातों या फिर मैक्सिमम नाम पता होंगे। जो अलग स्टेट से हैं या जो नहीं जानते होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना कुछ, तो वो किसी भी नाम से रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। वैसे दोस्तों ईशन पोरेल और अभिमन्यु ईश्वरन बड़े नाम है, बट इसके अलावा और भी नाम है जो काफी ज्यादा दमखम रखते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फ्रेंक, आपको फेक होप्स में मैं रखना नहीं चाहता हूं। ये 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो शायद ही टीम केकेआर इनको ले, शायद तो क्या बिल्कुल नहीं लेने वाला है टीम केकेआर इनको अपनी टीम के स्क्वाड में। अब जो शायद वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था वो इन 7 खिलाड़ियों के लिए इसलिए था कि बची हुई जो 9 टीमें हैं ना, टीम केकेआर तो नहीं ले रहा है, जो बची हुई 9 टीमें ना, शायद इनमें से एक या दो प्लेयर जो कि ईशान पोरेल और अभिमन्यु ईश्वरन ही होने वाले हैं, शायद उनको ही यहां पर ले या फिर उनको भी ना ले। तो बंगाल प्लेयर्स के लिए तो यार बहुत ज्यादा यहां पर बुरी चीजें चल रही है। शाहबाज अहमद, मोहम्मद शामी, रिद्धिमान साहा, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबे टाइम से बंगाल के लिए, तो कोलकाता के लिए तो कभी नहीं खेले। हाँ साहा जरूर खेले हैं, बट और खिलाड़ी जो बंगाल के हैं वो नहीं खेले। बट एक बुरी बात है, लोकल टूर्नामेंट में तो यार टीम केकेआर को लोकल प्लेयर्स को जरूर लेना चाहिए। सो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि इनमें से क्या आपको लगता है टीम केकेआर कोई ले पाएगा, या फिर आप पर्सनली किसी को जानते हो, कोई आपका मिलने वाला है या फिर नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। नीचे है लिंक टेलीग्राम का, तो उसको भी चले जाकर फॉलो कर लेना।